हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो नाँ प्रियदर्शनी मुनि एवं मु मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मान को स्वागत करुच्ची। स्क्रीन रे आपण मैंने देखि पारुथिबे सेस्टोडायसिस रो हेडिंग दिया जाइछि। तो आज आम डिस्कशन करिबा सेस्टोडा मानक विषय एवं सेमानक सहित रिलेटेड डिजीजेस मानक विषय। प्रीवियस वीडियो रे आम ट्रिमेटोर्स मानक विषय डिस्कशन करथिले, जेमती फ्लैट वर्म रो डिविजन जदि आपण देखिबे तो किछि कैटेगरी अछन्ति जो माने कि ट्रिमेटोडा रे आसन्ति, जो माने कि पैरासाइटिक एक्टिविटी शो करन्ति, आउ किछिटा एक्टिव ऑर्गेनिज्म अछन्ति जो माने कि सेस्टोडा ग्रुप रे अछन्ति आसन्ति एवं से माने मध्य पैरासाइटिक एक्टिविटी शो करन्ति। सो सेस्टोडा भितरे बहुत कॉमन एग्जांपल रे आपणकर प्रथम डिजीज आसी जिवो जहार नाम हला टेनियासिस। एवं एई ऑर्गेनिज्म विषय रे एई डिजीज विषय रे आमे प्लस टू लेवल रे भी पढ़ीचे, ग्रेजुएशन एवं मास्टर्स तीनटा कर ही आमे पढ़ीचे। तो अल्प बहुत समस्त पाखे एई आईडिया थिवो टेनियासिस विषय रे। टेनियासिस साधारणतः तो दुईटा ऑर्गेनिज्म मानक थ्रू रे हेई परिवो। ह्यूमन मानक केस रे मु कहूँ ह्यूमन मानक दुईटा प्रकार टेनिया एक्चुअली अफेक्ट करि पारे। सो प्रथम टेनिया हला इठी आपणकर टेनिया सोलियम एवं द्वितीय नंबरटा टेनिया टेलिया को कहा जाए आपणकर टेनिया साजिनाटा। तो टेनिया सोलियम रो एवं टेनिया साजिनाटा दुईटा एक केस रे ही आपण डिजीज एज अ टेनिया सीसी काउंट कर दे परिबे। सो टेनिया सोलियम को अदरवाइज आपणकर पर्क टेपवर्म बोली कहा जाए, जोठी कि साजिनाटा केस रे एठी देखा जाए आपणकर बीफ टेपवर्म। टेनिया को साधारणतः टेपवर्म नॉर्मली भी आम कहीदेप। तो जदि आप सोलियम अच्छी देन से पर्क वाला टेपवर्म हम, जदि साजिनाटा अच्छी देन से बीफ वाला टेपवर्म हम। ऑर्गेनिज्म को जदि देखिए देन ऑर्गेनिज्म टी एठी आपणकर डायजेनेटिक कंडीशन शो करे। तो डायजेनेटिक भितरे आपणकर प्राइमरी होस्ट एठी आसीजिव ह्यूमन बीइंग, ओके, एवं सेकेंडरी होस्ट आसीजिव एठी आपणकर आइदर पिग किंबा बीफ, ठीक अच्छे। प्राइमरी होस्ट रे जमीक आपंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स टेनिया सोलियम निजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी भितर कराए, इंटेस्टाइन भितर कराए। सो ह्यूमन काउंटेड एज अ प्राइमरी होस्ट फॉर टेनिया सोलियम। जो जगह कि इंटरमीडिएट स्टेजेस गुड़ाक जोड़ाक अच्छी, दैट मीन्स लार्वल स्टेजेस गुड़ाक अच्छी टेनिया सोलियम किंवा साजिनाटर, सेटा आइदर पिग्रे हम किंवा बीफ्रे हम। क्वेश्चन ये आरइज हो कि जो मैंने पिक रे डेवलप करुँच कि बीफ रे डेवलप ह्यूमन भितर को आसले कमी से आम देखा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन। मोड ऑफ इन्फेक्शन रणकर इंजेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन रही आपर इंजेक्शन। इंजेक्शन आप प्रोसेस थ्रू रे करेंगे। सपोज धरिदिंतु आपड़ी मीट खाऊंट देन मीट को खाइबार बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रोसेसेस थाए। फॉर एग्जांपल जदि आपम कंट्री देखिए, दैट मीन्स इंडिया जदि देखिए, साधारणतः मीट खाइबार प्रोसेस है कौन, छोट छोट पीसेस करा हुए एवं ताकु ओवरकुक्ड करा जाए। बहुत गुड एक्स्ट्रा आम स्पाइसेस आड करूँ तो आम रोसे करार प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट थाए रादर देन द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज मानक हुए कौन, बड़ बड़ पीसेस रोसे करती, रोसे कर मोस्ट से आइदर स्मोक करके रोसे करती किंबा सेमती जस्ट खाली ग्रिल कर दिखती। तो ताद्वारा हुए कौन, जदि कौन ऑर्गेनिज्म आउ गोटे जिनस कौन, से अंडरकुक्ड करके रखती खाद्यटा को किंबा से ओवरकुक्ड करती ना, अनप्रॉपरली कुक्ड थाए, अधा कुक्ड थाए, बाकी अधा से ऑलमोस्ट बेले बेले तो किसी किसी लोक था जो मैंने कि रॉ मीट भी खाई दिखते। तो ये हुए कौन, जदि आपणकर जो प्रकार मीट आप खाऊंट से मीट्रे जदि कौन प्रकार इन्फेक्शन अच्छी देन अल्टीमेटली से इन्फेक्शन टी आप बॉडी भितर को जीव जिते आप इंजेस्ट करेंगे। सो इन मोड ऑफ इन्फेक्शन रहा आप इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड मीट या फिर रॉ मीट। एवं एथिरे हुए कौन, मीट भितर जो इन्फेक्शन कंडीशन टा थाए, सो इन्फेक्टिव स्टेज टाइटा रहा आप टेनियासिस जब आप इन्फेक्टिव स्टेज देखिए देन इन्फेक्टिव स्टेज को कहा जाए ये सिस्टी सर्कस। तो ह्यूमन बॉडी भितर को जो स्टेजटा आपंकर एंटर कै टेनिया रहा रहा आप सिस्टी सर्कस। सो जो सिस्टी सर्कस केस कंडीशन रे आप कौन मीट खाऊं से मीट्रे छोट छोट ऑर्गेनिज्म मैंने आप बॉडी भितर को गले से ऑर्गेनिज्म मैंने जो इंटेस्टाइन पाखे जाकि पहुँचे अल्टीमेटली से गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जहाँ थ्रु इजिली से ग्रो हो पारे, ओके। सो ह्यूमन बॉडी भितर कि चेंजेस आसे एवं सेकेंडरी होस्ट केस रे, दैट मीन्स पिग है किंबा बीफ है, ये आपको आउ कि चेंजेस मिले।
देन नेक्स्ट आसीगला आपको हैबिटेट जदि देखिए देन हैबिटेट रे एठी आपनकर आसी जीव इंटेस्टाइन किबा मोस्ट स्पेसिफिकली जदि मु एठी कहबी स्मॉल इंटेस्टाइन आसी जीव। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन पाए लाइक प्रीवियस वीडियो रे मे बी शायद ये जिनसा मु कही कि स्मॉल इंटेस्टाइन रे आपनकर डाइजेशन हुए मैक्सिमम डाइजेशन आपनकर स्मॉल इंटेस्टाइन रे हुए एवं ए जो ऑर्गेनिज्म वर्तमान आम डिस्कशन करूचे टेनिया साधारणतः फ्लैट वर्म मानक केस रे जो आप एलिमेंटरी केनाल जदि देखिबे किबा आपन जदि डाइजेस्टिव सिस्टम देखिबे बहुत ही लो डेवलपमेंट रे थाए पुअरली डेवलप्ड कंडीशन रे थाए किबा न थाए बिल्कुल भी न थाए तो ए जगह रे कोन हुए जदि से माने कोन से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाइबे देन से माने ताको डाइजेस्ट करि परिबे नाही एवं मरी जिवे। सो सेइथि पई से माने कोन करंदी सबुबेले सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट उपरे अटैक करती एवं ताकू ही सर्व करके खाती ताकू ता ऊपर ही निजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करे। तो एथरे हुए कौन स्मॉल इंटेस्टाइन जदि आप देखुंत देन स्मॉल इंटेस्टाइन गोटे एमती जगह जो जगह आपको सब प्रकार कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि लिपिड है समस्त मोनोमेरिक फॉर्म आपको मिल जाव। तो ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल इंटेस्टाइन रे रुहे एवं जिते सब आपनकर बायोमोलिक्यूल्स माने अछंती से बायोमोलिक्यूल्स रो मोनोमेरिक फॉर्म को अब्सॉर्ब करे एवं निजर लाइफ को लीड करे। ओके तो सपोज धरि दिंतु आपण एठी मानकर प्राइमरी होस्ट रु मानकर स्टार्ट कले प्राइमरी होस्ट कंडीशन रे कोन हबो सिस्टी सर्कस रे आपण ई आपनकर बॉडी भितर को एंटर कला। ओके देन इंटेस्टाइन रे पहुंचला पर से एडल्ट को कन्वर्ट हो एडल्ट को कन्वर्ट हो सी फर्टिलाइजेशन कर फर्टिलाइजेशन पर आपंकर जाइगोट बनबो जाइगोट बनला कन्वर्ट हो अंकोस्पियर अंकोस्पियर से सी चली आसो बॉडी रु बाहर को बाहर को आसला सी एंटर कर सेकेंडरी होस्ट भितर को सेकेंडरी होस्ट भितर को एंटर कर सारापर अंकोस्पियर आपंकर एक्चुअली से सेकेंडरी होस्ट बॉडी भितर को प्रथम जाती दैट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम को गला इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेंगे एवं ब्लड वेसल्स भितर एंटर करेंगे ब्लड वेसल्स थ्रू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अटैक करती खास करके वॉलंटरी मसल्स मान को अटैक करती वॉलंटरी मसल्स मैंने जो मसल्स मैंने आम हिसाब से कम करती दैट मीन आम चाहिए से मसल्स आम मुवमेंट कर दे पारे से मसल्स मानक केस जाकि एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते शोल्डर मसल्स हो पारे कि नेक मसल्स हो पारे थाय मसल्स हो पारे लेग मसल्स हो पारे ये सब ब्रेन सॉरी ब्रेन तो हेनी बाकी जिनस गुड़ाक आसीजो कि आपंकर सेंसोरी ऑर्गन्स मानक भी अफेक्ट करते फॉर एग्जांपल आईज भी हो पार कि ब्रेन हो पार। तो ये जगह आसीगला आपंकर जिते बड़े मसल्स खाइले देन ये मसल्स मानक कंडीशन रे अच्छा अंकोस्पियर मसल्स मानक भितर को एंटर कर सारापर सी कन्वर्ट हो सिस्टी सरस को सॉरी सिस्टी सर्कस को। तो सिस्टी सर्कस केस रे जिते बड़े आपण मसल्स खाऊँच ह्यूमन बॉडी ह्यूमन जिते बड़े मसल्स को खाइब देन अल्टीमेटली सिस्टी सर्कस ह्यूमन बॉडी भितर एंटर करला देन इंटेस्टाइन को पहुँचला पुन थे एडल्ट फॉर्म को कन्वर्ट हो एवं तार कंप्लीट लाइफ लाइफ साइकिल से मेंटेन करिवो। ओके सो ये आपंकर टेनियासिस विषय में सेकेंड जदि आप देखिए हाइड्रेटेड डिजीज हाइड्रेटेड डिजीज रो वर्म्स मैंने अच्छे से हाइड्रेटेड वर्म बोली कहुए से अलग कौन सी ना ना हो सो हाइड्रेटेड वर्म बोली कहुए हाइड्रेटेड वर्म जब आप साइंटिफिक ना नेम देखिए देन आपंकर साइंटिफिक नेम एकाइनोकोकस ग्रानुलोसिस एटा रहला आपनकर ऑर्गेनिज्म रो साइंटिफिक नेम प्राइमरी होस्ट रहला आपनकर एठी डॉग एवं सेकेंडरी होस्ट आसीगला एठी आपनकर ह्यूमन। ओके डॉग पाखरु जदि आपन देखिबे एठी अच्छा इन्फेक्टिव स्टेज जदि आपन देखिबे सो इन्फेक्टिव स्टेज आसीगला एटा ऑंकोस्पियर ऑंकोस्पियर कंडीशन से ह्यूमन बॉडी भितर को एंटर करे मोड ऑफ इन्फेक्शन जदि आपण एठी देखिबे देन इंजेक्शन आसी जीवो। ओके एवं हैबिटेट जदि आपण देखिबे देन एटा इंटेस्टाइन आसी जीवो। कंप्लीटली टेनिया जो जो प्रकार बिहेव करे ए माने भी सही प्रकार ही बिहेव करते बस खाली डिफरेन्स है कौन से ह्यूमन बॉडी भितर सिस्टी सर्कस कंडीशन में सी एंटर करुच्छे जोटि एटी आप ह्यूमन बॉडी भितर सी ऑंकोस्पियरिक कंडीशन में एंटर करुच्छे बाकी दुटा एक वर्म कंडीशन ऑलमोस्ट सेम मोड ऑफ से मानकर ट्रांसमिशन रहा कि आपणकर जोटा डेवलपमेंट रहा ऑलमोस्ट सेम थाए एठी आउ गोटे जदि आपण देखिबे टेनियासिस केस रे टेनिया माने खास करके एठी बाइसेक्सुअल थांदी
तो बाइसेक्सुअल हेले आपणकर फायदा एठी कोण फायदा कोण एठी एटा गोटे नेगेटिव वे रे जीवो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मान को पार्टनर आवश्यकता न थाए। तो सपोज धरि दियंतु जदि गोटिए भी टेनिया सोलियम किंवा साजिनाटा आपणक बॉडी रे अछि देन इजीली सेतर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मान को डेवलप कर दे परिबो। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हम से मान को कहू जो मान को केस रे बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अवेलेबल थाए। तो ये केस रे कोन हुए आइदर से माने सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर दे परिबे किंवा से माने क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर दे पारे। ऑल्दो से मानक पाखरे कैपेसिटी थाए सेल्फ फर्टिलाइजेशन करिबा पे बट मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रिफर करंती। तार रीजन हला या जदि आपण सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे प्रिफर करूचें देन मोस्टली आपण को दीटा को गैमेट को एग्जैक्ट सेम टाइम रे एक्टिव कंडीशन रे आपण को रहिबा दरकार। सपोज धरि दियंतु मेल गैमेट एक्टिव अछि फीमेल गैमेट इनएक्टिव अछि देन फर्टिलाइजेशन हेइ परिबो नाही किमा वाइस वर्सा कंडीशन रे भी फर्टिलाइजेशन हेइ परिबो नाही। सो बाइसेक्सुअल हेले मध्य जदि आपणकर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे कैपेसिटी नहीं देन अल्टीमेटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही ऑर्गेनिज्म प्रिफर करिबो। ए जगह रे हुए कोन जते बेले आमे नॉर्मली आमे सेल्फ फर्टिलाइजेशन रे जदि आमे डेफिनेशन देखिबा किमा क्रॉस फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन देखिले सेल्फ फर्टिलाइजेशन रे गोटिए ही ऑर्गेनिज्म रहला जे कि सेम गैमेट प्रोडक्शन करिबो आई मीन बोथ द गैमेट प्रोडक्शन करिबो एवं फर्टिलाइजेशन हबो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन रे दीटा ऑर्गेनिज्म एथि इंक्लूड हबे गोटे फीमेल पार्टनर रहिबो गोटे मेल पार्टनर रहिबो। बट टेनिया सोलियम रे जते बेले आमे क्रॉस फर्टिलाइजेशन किमा सेल्फ फर्टिलाइजेशन रो वर्ड यूज करचे यार मीनिंग एथि अलग थाए बिकॉज टेनिया सोलियम रे जदि आपण स्ट्रक्चर देखिबे हेड रो स्ट्रक्चर टा किछि ए टाइप रो थाए देन बहुत गुडी आपण को ए टाइप रो कंडीशन मिलिबो फोल्डेड कंडीशन जो मान को कहा जाए प्रोग्लोटिस। ठीक अछि सो प्रोग्लोटिस मान को केस रे गोटिए प्रोग्लोटिस माने ए जो प्रोग्लोटिस मान को देखु चंदी ए प्रोग्लोटिस मान को पाखरे ही आपणकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थाए। तो सपोज धरि दियंतु गोटे प्रोग्लोटिस एमती अछि हला आउ गोटे प्रोग्लोटिस ए टाइप रहला आउ गोटे प्रोग्लोटिस ए टाइप रहला। तो जदि प्रोग्लोटिस दि जण परस्पर उपर ओवरलैप करूचंती एवं एमानक भितर गैमेट एक्सचेंज हला देन सेई प्रकारर फर्टिलाइजेशन को आमे क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोली कहिबा। जदि गोटिए ही प्रोग्लोटिस भितर आपणकर मेल गैमेट डेवलप हला आउ फीमेल गैमेट डेवलप हला सेई प्रोग्लोटिस भितर ही जायगोट डेवलप हला निजर से फर्टिलाइजेशन कैरिड आउट कला देन ताकु आमे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहिबा। यूजुअली आमे सेल्फ फर्टिलाइजेशन आउ क्रॉस फर्टिलाइजेशन रो मीनिंग इन जनरल आम गोटे डिफरेंट टाइप रो थाए बट जिते बड़े आम बाइसेक्सुअल आम जिते टेनिया सोलियम केस रे देखुचे देन ये प्रोग्लोटिस आपको मन रखा पड़ो। जदि सेम प्रोग्लोटिस भितर एक्सचेंजेस होन सेल्फ फर्टिलाइजेशन जदि दुईटा अलग अलग प्रोग्लोटिस भितर आप गैमेट एक्सचेंज होन से जगह आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह। ओके सो एतिक रहिला आपणकर सेस्टोडायसिस विषय रे। सो आई होप कि आपण मानको एटा हेल्प हबो आपणकर प्रिपरेशन पे। सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे भलो भाबरे प्रिपरेशन करंतु एंड आई होप कि मोर एक्सप्लेनेशन आपणको हेल्प करिवो।